माना कि डगर कठिन है, पग पग पर बाधाएं हैं, आगे बढ़ने से रोक रही महामारी सरीखी ज्वालाएं हैं, पर रोक न सकेंगे ये कदम हमारा, हम उन्नति के अभिलाषी हैं। कुछ इसी अंदाज में झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज दूसरी बार राज्य का आम बजट पेश किया। 91,270 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए रामेश्वर उरांव ने करीब 1.25 घंटे तक सदन को संबोधित किया। इस दरमियान विपक्ष वेल में हंगामा और हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता रहा। विपक्ष के ज्यादातर विधायक आज भगवा रंग की टी शर्ट पहनकर सदन पहुंचे थे। टी शर्ट पर हेमंत सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखे थे। शुरुआत में विधानसभा स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन बीजेपी नेता नहीं माने और बजट सत्र के दौरान लगातार नारेबाजी करते रहे। हद तो तब हो गई जब एक माननीय ने सदन में ही सीटी बजाना शुरू कर दिया। स्पीकर की चेतावनी के बाद भी जब माननीय ने सीटी बजाना बंद नहीं किया तो उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया। कुल मिलाकर जैसा अपेक्षित था, झारखंड का बजट सत्र जो है आज का दिन हंगामेदार रहा। अब इस हंगामेदार पहलू को छोड़कर बजट के कुछ मुख्य ऐलानों की चर्चा करें तो राज्य का कुल बजट इस बार 91,270 करोड़ रुपए का था। बिरसा ग्राम योजना के लिए 61 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। पथ निर्माण विभाग के लिए 3,480 करोड़ का प्रावधान है। गिरिडीह, धनबाद और देवघर में रिंग रोड बनाया जाएगा। लघु ग्रामीण योजना के तहत हर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य जो है सरकार ने निर्धारित किया है। कृषि पशुपालन के लिए 18,653 करोड़ की राशि जो है वो आवंटित की गई है। कृषि ऋण माफी योजना के लिए 1200 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। 2 करोड़ की लागत से 5,000 गृह वाटिका जो है वो विकसित की जाएगी। फसल राहत योजना के लिए 50 करोड़ प्रस्तावित है। सिंचाई के लिए 45.83 करोड़ का प्रावधान है। शहीदों के जन्म स्थल को आदर्श ग्राम बनाने की बात सरकार ने कही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 3,000 नए आवास बनाए जाएंगे। गुरुजी किचन योजना की शुरुआत सरकार कर रही है इस सत्र से। मनरेगा योजना के तहत काम कर रहे मजदूरों का मानदेय जो है वो 31 रुपए बढ़ाया गया है। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना लाई गई है। इसके साथ ही एससी एसटी ओबीसी वर्ग के 10 छात्रों को सरकार हर साल विदेश पढ़ने भेजेगी। राज्य के सभी गांवों में सिद्धो कानो खेल क्लब की स्थापना की बात सरकार ने कही है। लुगुबुडू और राजरप्पा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात सरकार ने कही है। साथ ही विदेश काम करने गए मजदूरों की मौत पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए देने की बात सरकार ने कही है। साथ ही साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं उनका पेंशन कार्ड भी बनाया जाएगा। बजट में किसी भी तरह की कोई नई टैक्स की घोषणा नहीं की गई है। पूरा फोकस किसान और मजदूरों पर है, लेकिन रोजगार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर कोई ठोस योजना जो है या घोषणा नजर नहीं आती। ओबीसी आरक्षण, स्थानीय नीति जैसे मसलों पर भी सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे में विपक्ष के नेता बजट को लॉलीपॉप और कूड़ेदान की संज्ञा दे रहे हैं। आपको ये बजट कैसा लगा? बजट की कौन सी बातें अच्छी लगी और कौन सी बातें आपको आपके हिसाब से बजट से दूर रही, नदारत रही, जिन्हें इग्नोर कर दिया गया, ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं थी आपके साथ प्रेरणा और आप देख रहे थे बिहार। शुक्रिया।